कि इसका नाम एक्चुअल में है क्या, कबीर चबूतरा इस साइड है। ये गाइस कबीर का कुटिया, यहाँ पे अपनी साधना किए हैं, तपस्या किए हैं, और यहाँ पे पानी बह रही है। और ये जो रूट है सीधा सीधा, ये सोनमुड़ा के लिए है कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहे हैं ये सुबह 8:45 तक दूध जैसा नज़र आता है। हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोपे वो से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो अभी मैं नहा धो के एकदम रेडी हो चुका हूँ, अभी जाने वाला हूँ मैं कबीर चबूतरा। तो चलिए यहाँ से निकलते हैं। वैसे कबीर चबूतरा हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहाँ के बारे में काफ़ी कुछ सुना हुआ है। कर्नाटक का बस स्टैंड हमारे लेफ्ट साइड में एक बस निकल रही है, ये शासकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अमरकंटक। तो स्कूल भी है, काफ़ी बड़ा सा है जैसे कि आपको नज़र ही आ रहा होगा। ये बहुत प्यारा सा स्कूल है, यहाँ पे दो स्कूल, एक उस साइड से मैं दिखलाया था, एक शासकीय स्कूल ये है। तो ये जो रूट है ये लेके जाती है शंभूधारा के लिए। कार आ रही है भाई, और अमरकंटक सिटी यहाँ से स्टार्ट होता है सीधा सीधा। वाली रूट पकड़ना पड़ेगा हमें, बस स्टैंड के लिए है और सिटी के लिए सामने वाली रूट है। यहीं पे आपको होटल वगैरह देखने को मिलेंगे। वाओ यार, दिल खुश हो गया नज़ारे को देख के। रोड देखिए, काफ़ी घुमावदार रोड है यहाँ पे। टेढ़े मेढ़े रोड है पूरे, और यहीं से हम लोग आए थे जिस रोड से हम लोग वापस जा रहे हैं। खूबसूरत सी वादियों के बीच होते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब इस घाटी का नाम क्या है नो आइडिया, देखते हैं, नहीं तो मैं इसका नाम रख दूँगा अमरकंटक घाटी, क्योंकि बोर्ड पे कहीं मेंशन तो है ही नहीं। अगर नीचे उतरते हैं तो पता चलेगा कि इसका नाम एक्चुअल में है क्या। कबीर चबूतरा इस साइड है, हम लोग यहाँ से आए थे, ये दुकानें हैं। तो अब हम लोग एंट्री कर रहे हैं छत्तीसगढ़ सीमा में। ये गाइस आ गए छत्तीसगढ़ सीमा में। जो कबीर चबूतरा है वो है छत्तीसगढ़ में, क्या बात है। अचानक मार अभ्यारण्य में आपका स्वागत है। यहाँ पर है कबीर का चबूतरा। हाँ, कितना किलोमीटर है नो आइडिया, देखते हैं। कबीर चबूतरा, अच्छा हुआ बोर्ड लगा हुआ है जिससे पर्यटक को कोई दिक्कत नहीं होगा। दूध धारा भी लिखा हुआ, क्या बात है भाई साहब, मतलब कि ये रूट जाता होगा। रूट तो ख़राब नज़र आ रहे हैं भाई, चलो देखते हैं। लेकिन गाड़ी जा सकती है आराम से, ढलान है, जंगलों के बीचों बीच में है ये रोड बनी हुई है। अरे तेरी गैस, हरे भरे पेड़ पौधे देखने को मिल रहा भाई। 50 मीटर में ही होगा कबीर का चबूतरा। तो यही है गैस कबीर का कुटिया। गाइस तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं कबीर चबूतरा पे। देखिए हमारे पीछे साइड में, यही है कबीर चबूतरा, इसी को बोला जाता है। और यहाँ पे गिने चुने ही लोग ही आते हैं, ज़्यादा कोई लोग नहीं आते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि ये कबीर जी का तपोभूमि है जहाँ पे कबीर जी ने ध्यान लगाए हुए थे। अभी जस्ट कुछ लोग आए हुए, ये देखिए। और ये आता है गाय डिंडोरी गाँव में, अनूपपुर ज़िला में है ये। तो चलिए देखते हैं किस तरह से बना हुआ है कबीर चबूतरा। अमरकंटक यहाँ से लगभग 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे लिखा हुआ है कबीर दूध धारा, बोर्ड पे मेंशन है कबीर चबूतरा। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे बोर्ड पे मेंशन किया गया है काफ़ी सारे डिटेलिंग में, बट कुछ समझ में आ रहे हैं और कुछ समझ में नहीं आ रहे हैं। चित्र बना हुआ है,
गाइस, तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं सोचा बोर्ड पे देख के बतलाऊँगा, लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो गूगल सर्च करता हूँ, तो थोड़ा बहुत आप लोगों को सर्च करके इसके बारे में बतलाते हैं। तो मैंने अभी गूगल पर सर्च किया है तो पता चला है स्थानीय निवासी और कबीर पंथियों के लिए कबीर चबूतरे का बहुत महत्व है। कहा जाता है कि संत कबीर ने कई वर्षों तक इसी चबूतरे पर ध्यान लगाया था। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान कबीर जी और सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी मिले थे। उन्होंने यहाँ अध्यात्म एवं धर्म की बातों के साथ मानव कल्याण पर चर्चा किए। कबीर चबूतरे के निकट ही कबीर झरना भी है। मध्य प्रदेश के अनूपपुर और डिंडोरी जिले के साथ छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और मुंगेली की सीमाओं पर मिलती है। तो यही है गाइस कबीर जी का आशियाना, जो यहाँ पे ध्यान लगाए थे। गुरु नानक जी यहाँ पे मिले थे, सप्रेम साहेब बंदगी साहेब, तो शायद यही हो सकता है। कुटिया शायद आपको नज़र आए, अंधेला है, तो यही है। कुछ लोग आ रहे हैं दर्शन करके, हम भी चलेंगे। इस तरह से पेड़ हैं केले के, काफ़ी घने जंगलों के बीच में है ये कुटिया। हम ऐसे पवित्र स्थल पर हैं जिसको मैं शब्द में बयान नहीं कर सकता। आप सोचिए उस समय में कितने समय हो चुके होंगे। कबीर जी यहाँ पे अपने साधना किए हैं, तपस्या किए हैं, यहाँ पे ध्यान लगाए हैं। मतलब कि ऐसे जगह में आके दिल खुश हो जाता है मेरा। ऐसा लगता है कि उस समय में जंगल होते थे घने घने, और हम लोग तो थोड़ी सी जंगल में जाते हैं ये सोचते हैं कि कब हम वहाँ से निकले, लेकिन उस ज़माने में लोग यहाँ पे साधना करते थे, ध्यान लगाते थे। इस तरह से झोपड़ पट्टी में रहते थे जहाँ पे कबीर जी रहा करते थे, वहीं पे रहकर ध्यान लगाए हैं। ये है सत्य नाम, ये पुराना देख लीजिए, बहुत पुरानी कुटिया है ये। खुशी की बात यह है कि आज भी ये है जहाँ पे आप आकर दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे ये जगह काफ़ी अच्छा लगा गाइस, मैं तो यही बोलूँगा, यहाँ पे आइए दर्शन करिए। और ये खूबसूरत सा लोकेशन पे है, जैसे कि आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जंगल झाड़ी एरिया है, इंसान तो कोई है ही नहीं देख रेख के लिए, बस कुत्ते हैं जो बैठे हुए हैं अपनी सेवा में। प्रतिदिन सुबह 8:45 से दूध धारा का दर्शन होता है, कृपया जड़ी बूटी एवं फूलों को ना छुए। तो यहाँ पर इस तरह से पूरा बना हुआ है, तो हमने जूते चप्पल उतार दिए हैं, ये देखिए। और ये क्या खूबसूरत सा दिख रहा है ना, ये बहुत प्यारा लग रहा है। और यहाँ पे पानी बह रही है, इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है हमें। ये है पूरा दृश्य यहाँ का, कबीर चबूतरा का पूरा ये है दृश्य। यहाँ पे काफ़ी सारे कीड़े मकोड़े हैं जो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये तो कैसे डांस कर रहे हैं। पूरे पहाड़ों से घिरा हुआ है ये, बहुत सही जगह है। झिंगूर की आवाज़ सुनाई दे रही आपको, यहाँ पे काफ़ी सारे झिंगूर हैं, आवाज़ सुनाई दे रही होगी आपको। बाकी बहुत अच्छी जगह है, एकदम शांत वाली जगह है, इसलिए यहाँ पर कबीर जी अपनी साधना किए हैं। हमारे तानी जी पूछते हैं कैसा लगा तानी जी। अच्छा है, बहुत अच्छा लोकेशन है, यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है, और क्या ही बताऊँ। तो ये है आसन, जैसे मानो जैसे कि अपन सोफा सेट में बैठते हैं वैसे बना हुआ है, बस गद्दे की कमी है। और ये कुछ चक्री जैसे हैं, बहुत खूबसूरत सा लोकेशन है। कबीर वाटर कबीर चबूतरा ऐसा करके लिखा हुआ है, और इस तरह से बना हुआ है जहाँ हम आगे बढ़ सकते हैं। पता नहीं ये कहाँ जाती होगी भाई, ये लिखे ना कहाँ जाते हैं। ट्रेकिंग करते हुए सोनमुड़ा, सोनमुड़ा, सोनमुड़ा 8.5 किलोमीटर यहाँ से, यहाँ से 8.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कितना खतरनाक जंगल है ये, और ये जो रूट है सीधा सीधा ये सोनमुड़ा के लिए है,
यहाँ से सोनमुड़ा 8 किलोमीटर करके इस बोर्ड पे मेंशन किया गया है, ये देख रहे हैं। और ये कहाँ जाती है नो आइडिया। बाकी सोनमुड़ा यहाँ से आप जा सकते हो, कितना ख़तरनाक ट्रैकिंग रहेगा मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता। बाकी ये पूरा एरिया है जो बहुत खूबसूरत सा बना हुआ है, कबीर चबूतरा। तो अभी हमारे दमान जी गूगल पे सर्च किया और बतला रहे थे कि ये जो पानी आपको नज़र आ रहे हैं ये सुबह 8:45 तक दूध जैसा नज़र आता है, हर सुबह 8:45 तक। तो कभी भी आपका आना होता है ना तो बेशक इस चीज़ को ट्राई करिएगा कि वाकई में यहाँ पे दूध जैसा नज़र आता है या नहीं आता है ये पानी। गुल बकौली गाइस, तो आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया, पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं बहुत जल्द एक नए वीडियो।